राहुल गांधी ने भले ही चरणजीत सिंह चन्नी को सीएम कैंडिडेट घोषित कर दिया हो और उसे नवजोत सिंह सिद्धू ने कबूल भी कर लिया हो, लेकिन हकीकत में ऐसा हुआ नहीं है। चन्नी के सीएम कैंडिडेट घोषित होते ही सिद्धू तो खामोशी से बैठ गए, लेकिन उनकी जगह उनकी पत्नी नवजोत कौर और बेटी राबिया ने चन्नी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और दूसरी तरफ सिद्धू ने पार्टी का प्रचार करना बंद कर दिया। सिद्धू बार बार इस बात के संकेत दे रहे हैं कि सीएम का चेहरा चन्नी बने हैं तो पार्टी के प्रचार का जिम्मा भी उन्हीं का है। इसका नजारा खुद प्रियंका वाड्रा ने भी देखा है। जब प्रियंका की रैली में सिद्धू को भाषण देने के लिए बुलाया गया तो सिद्धू ने साफ तौर पर ऐसा करने से इनकार कर दिया और कहा कि भाषण चन्नी से करवाओ। नवजोत सिंह सिद्धू ने प्रियंका गांधी वाड्रा की रैली के दौरान अपनी नाराजगी जाहिर की। दरअसल प्रियंका गांधी कांग्रेस कैंडिडेट बलबीर सिंह गोल्डी के समर्थन में प्रचार करने धूरी गई थी। इस सीट से आम आदमी पार्टी के सीएम कैंडिडेट भगवंत सिंह मान चुनाव लड़ रहे हैं। मंच पर प्रियंका वाड्रा, नवजोत सिद्धू और सीएम चरणजीत सिंह चन्नी समेत कई और नेता मौजूद थे। जब बलबीर सिंह गोल्डी की पत्नी सिमरन खंगूरा ने नवजोत सिंह सिद्धू का नाम लिया तो उन्होंने रैली में लोगों को संबोधित करने से इनकार कर दिया। चरणजीत चन्नी के साथ बैठे नवजोत सिद्धू खड़े हुए और हाथ से इशारा करते हुए कहा कि वह नहीं बोलेंगे। उन्होंने चरणजीत चन्नी की ओर इशारा किया कि वे अगले वक्ता होंगे। सिद्धू और उनकी पत्नी डॉक्टर नवजोत कौर सिद्धू और बेटी राबिया सिद्धू समेत उनके परिवार के सदस्य पिछले एक सप्ताह के दौरान कई बार अपनी नाराजगी व्यक्त कर चुके हैं। हाल ही में नवजोत सिंह सिद्धू की बेटी राबिया ने अमृतसर पूर्व में अपने पिता के लिए प्रचार करने के दौरान कहा कि उन्हें चन्नी की स्थिति पर संदेह है। करोड़पति गरीब नहीं हो सकते। चरणजीत सिंह चन्नी गरीब नहीं है, उनका बैंक खाता चेक करें। वहीं जब सिद्धू से ये पूछा गया कि क्या चन्नी गरीब हैं, इस पर सिद्धू ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। सिद्धू ने कहा कि चन्नी मेरा छोटा भाई है, मैं आपको अपनी आय के बारे में बता सकता हूँ। मैं पहले एक साल में 20 से 30 करोड़ रुपए कमाता था, लेकिन आज मेरी मासिक आय 60,000 से 70,000 रुपए प्रति माह है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।